नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है जीवन के मूल्यों वान क्षणों का सदव्यय भाग ब। आज के मनुष्य का एक प्रधान शत्रु आलस्य है। तनिक सा कार्य करने पर वह ऐसी मनोभावना बना लेता है कि अब मैं थक गया हूँ, मैंने बहुत काम कर लिया है, अब थोड़ी देर विश्राम या मनोरंजन कर लो। ऐसी मानसिक निर्बलता का विचार मन में आते ही वह सैया पर लेट जाता है अथवा सिनेमा में जा पहुंचता है या शेर को निकल जाता है और मित्र मंडलिक में व्यर्थ की गपशप करता है। यदि आधुनिक मानव अपनी कुशाग्रता, तीव्रता, कुशलता और विकास का दमन करता है तो उसे यह भी स्मरण रखना चाहिए कि समय की इतनी बर्बादी पहले कभी नहीं की गई। कठोर एकाग्रता वाले कार्यों से वह दूर भागता है। विद्यार्थी संप्रदाय कठिन और गंभीर विषयों से भागते हैं। यह भी आलस्य जन्य विकारों का एक रूप है। वे श्रम कम करते हैं, विश्राम और मनोरंजन अधिक चाहते हैं। स्कूल कॉलेज में 5 घंटे रह गए तो उसकी चर्चा सर्वत्र करते पीटेंगे, किंतु 19 घंटे जो समय नष्ट करेगा उसका कहीं जिक्र तक न करेंगे। यह जीवन का अपव्यय है। व्यापारियों के लिए बड़े बड़े शहरों के उन दुकानदारों को छोड़ दीजिए जो वास्तव में व्यस्त है। अधिकांश व्यापारी बैठे रहते हैं और चाहे तो सोकर समय नष्ट करने के स्थान पर कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं और ज्ञान संवर्धन कर सकते हैं। रात्रि स्कूलों में सम्मिलित हो सकते हैं, मंदिरों में पूजन भजन के लिए जा सकते हैं, सत्संग स्वाध्याय कर सकते हैं, प्राइवेट परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। निर्थक कार्यों जैसे व्यर्थ की गत पथ मित्रों के साथ इधर उधर घूमना, फिरना, सिनेमा, अधिक सोना, देर से जागना, हाथ पर हाथ कर बैठना से बच सकते हैं। दिन रात के 24 घंटे रोज बिकते हैं, आगे भी बीतते जाएंगे। असंख्य व्यक्तियों के जीवन बीतते जाते हैं। यदि हम मन के में दृढ़ता पूर्वक यह ठान ले कि हमें अपने दिन से सबसे अधिक लाभ उठाना है, प्रत्यक्ष क्षण का सर्वाधिक सुंदर तरीके से उपयोग करना है तो कई गुना लाभ उठा सकते हैं। अखंड ज्योति पौड़वाड़ी 1997 पृष्ठ 5। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।